हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और गाइस, इस डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है। तो इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज, इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जॉन मॉक्सली से हुई। और यहाँ पर इनके अंदर आकर शिकागो के क्राउड के सामने खड़े रहकर जॉन मॉक्सली काफी हंस रहे थे, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही है कि सीएम पंक शिकागो के है और इस वीक का डायनामाइट शो शिकागो के अंदर था। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि शिकागो क्राउड प्रोबेबली जॉन मॉक्सली को हेट करता होगा, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक को काफी जल्दी हरा दिया है और जॉन मॉक्सली ने प्रूव कर दिया है कि सीएम पंक वैसे रेसलर नहीं है जैसा कि वो क्विट करने के पहले थे। पर रियलिटी ये है कि सीएम पंक ने अपनी होम टाउन यानी शिकागो को लेट डाउन किया है, पर वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि उनके सामने खुद डेथ मशीन थी, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। और यहीं पर आगे बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि सीएम पंक तो जॉन मॉक्सली के रास्ते साइड में हो चुके हैं, इसलिए मॉक्सली के पास इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के लिए एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है और जो कोई सुपरस्टार चाहे वो सुपरस्टार ही ओपन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू पर जॉन मॉक्सली को AEW कंपनी के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते है। पर जो कोई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसे जॉन मॉक्सली बताना चाहते हैं कि वो खुद अपना डेथ वारंट साइन करने वाला है, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। और ये बातें कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर रिंग के बाहर चले गए। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता है। गाइज, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज, मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर चले जाने के बाद यहाँ पर AEW कंपनी के ऑफिशियल ने आकर ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल लेकर बैकस्टेज चला गया, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या होता है। लेकिन गाइज, इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को फेस करने वाले हैं। और ब्रायन का कहना है कि ब्रायन जेरिको से बहुत ही बड़े रेसलर है, जो बात जेरिको भी मानते हैं। लेकिन जेरिको को पता है कि ब्रायन ने इस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं की जितने की जेरिको ने की है, और ब्रायन जेरिको फुट लेवल के ऊपर भी नहीं है, जो बात यहाँ पर जेरिको कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डेनियल गार्सिया आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया लास्ट वीक काफी कंफ्यूज थे, लेकिन इस वीक यहाँ पर गार्सिया जेरिको के सामने अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर गार्सिया जेरिको को बताते हैं कि गार्सिया जेरिको के साथ है, क्योंकि गार्सिया के हिसाब से जेरिको एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है जिन्हें की अपना कोई भी मैच जीतने के लिए चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही। और इसी एक तरीके से गार्सिया ने जेरिको से कहा था कि जेरिको अपने मैचेस के अंदर चीटिंग ना करे, जिस पर जेरिको ने कहा कि गार्सिया ने फाइनली अपना मन बना लिया है और देखकर जेरिको काफी अच्छा लग रहा है, पर वो ऑल आउट पेपर व्यू पर चीटिंग नहीं करेंगे। पर आज ऑल आउट पेपर व्यू नहीं है, जो बातें कहकर जेरिको यहाँ चले गए, जिससे कि हम समझ सकते थे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको चीटिंग करने के बारे में सोच रहे थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनियल्सन जेक हेगर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेक हेगर ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ब्रायन अपने एजिलिटी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर जेक हेगर के ऊपर अपनी बढ़त बना रहे थे। पर इससे गुस्सा होकर जेक हेगर ने ब्रायन को रिंग के बाहर एक टेबल के थ्रू ही फेंक दिया, जिससे कि जेक हेगर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर पा रहे थे। और यहाँ पर जेक हेगर ने काफी देर तक ब्रायन के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए, पर फाइनली ब्रायन ने भी अपना कमबैक कर जेक हेगर के ऊपर अपनी बहुत ही बढ़िया सिग्नेचर्स लगाकर फाइनली अपना फिनिशर यानी कि बेल लॉक लगा दिया, जिससे भी जेक हेगर बच पाए। और ये देखकर ब्रायन ने जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगा दिया। और यहाँ पर हेगर को पिन कर ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर गाइज़ी मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड ने आकर ब्रायन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो रोकने के लिए यहाँ पर क्लूडियो कैस्टनोली और विल रूथा आ गए। और ये दोनों एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड को बैकस्टेज ले गए, जिसका फायदा उठाकर जेरिको स्टील चेयर लेकर इनके अंदर गए। और यहाँ पर जेरिको ब्रायन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर तभी यहाँ पर गार्सिया आ गए और गार्सिया ने यहाँ पर आकर जेरिको से हाथ से स्टील चेयर ले ली, जिससे कि आप समझ सकते थे कि यहाँ पर गार्सिया का कहना है कि जेरिको को चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये देखकर जेरिको सरप्राइज थे, और इतने में ब्रायन ने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रनिंग नहीं लगा दिया। और ये देखकर ब्रायन तो काफी खुश थे, पर जेरिको और गार्सिया काफी नाराज थे, क्योंकि वो यहाँ पर मार खा चुके थे, जबकि गार्सिया ने ऐसा नहीं सोचा था।
इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपर व्यू पर क्या होता है, जेरी कुछ चीटिंग करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायमाइश व्यू पर देखा कि द विंगमैन रिंग के अंदर थे और यहाँ पर द विंगमैन डिमांड कर रहे थे कि उन्हें AEW कंपनी के TBS और TNT नेटवर्क के ऊपर और भी ज्यादा टीवी टाइम मिलना चाहिए। जो बात यहाँ पर विंगमैन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर W मॉरिसी यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग कैस आ गए और यहाँ पर आकर W मॉरिसी ने पूरे के पूरे विंगमैन के ऊपर अटैक कर दिया और W मॉरिसी का अटैक देकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्ट्रोकली हिथवे आ गए और यहाँ पर आकर स्ट्रोकली हिथवे ने W मॉरिसी को अपना कार्ड दे दिया। और गाइस फिर एक बार W मॉरिसी कार्ड लेकर यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे के साथ बैकस्टेज आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोनी शिवानी ने स्ट्रोकली हैथवे को रोक लिया और टोनी शिवानी ने स्ट्रोकली हैथवे से पूछा कि वो सुपरस्टार को कार्ड लेकर कहाँ पर गायब कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए स्ट्रोकली ने कहा कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। पर टोनी शिवानी ने कहा कि ये AEW कंपनी के शोज के ऊपर चीजें हो रही है और टोनी शिवानी को इससे मतलब है, जिस पर काफी गुस्सा होकर स्ट्रोकली ने कहा कि वो नहीं बताने वाले। और एक कहकर स्ट्रोकली और W मॉरिस यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि स्ट्रोकली हैथवे इतने सारे सुपरस्टार्स को कहाँ पर गायब कर रहे हैं। पर गाइज इसके बाद हमें डायमाइश व्यू पर देखा कि एलेक्स मारेस बैकस्टेज में विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए ऑस्प्रे ने कहा कि ऑस्प्रे को फाइनली पहली बार ओमेगा के साथ इतने सालों बाद फेस टू फेस जाने का मौका मिल रहा है और ऑस्प्रे चांस नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर ऑस्प्रे कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डॉन कैलस आ गए और यहाँ पर आकर विल ऑस्प्रे से बातें करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस को पता है कि विल ऑस्प्रे एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है और यहाँ पर आए हुए सभी लोग विल ऑस्प्रे को नेक्स्ट केनी ओमेगा कह रहे हैं। पर डॉन कैलस विल ऑस्प्रे के अंदर बिलीव करते हैं और डॉन कैलस को पता है कि विल ऑस्प्रे फर्स्ट विल ऑस्प्रे बन सकते हैं, ना कि सेकंड केनी ओमेगा। और डॉन कैलस चाहते हैं कि विल ऑस्प्रे इस वीक डायमाइश व्यू पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे, जो बात यहाँ पर डॉन कैलस कर रहे थे। और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर डॉन कैलस विल ऑस्प्रे के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं। पर ऑस्प्रे ने यहाँ पर डॉन कैलस और एलेक्स मार्वेज दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया क्योंकि उन्हें उनके मैच के लिए वार्म अप करना था। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के डायमाइश के मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें डायमाइश व्यू पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेंटर मिलकर टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा इन्हें एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में हिकारू शिडा और टोनी स्टॉर्म ने मिलकर जे मेहटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेहटर के पास इस अटैक का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेहटर ने मिलकर चीटिंग करके टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कोई इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर इस मैच के चारों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और इसके बाद ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर जे मेहटर को टैग देने के लिए जा रही थी और ये देखकर टोनी स्टॉर्म ने जे मेहटर को एप्रन से नीचे खींच लिया, जिससे डॉक्टर ब्रिट बेकर टैग नहीं कर पाए। और इस चीज का फायदा उठाकर हिकारू शिडा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ब्रिट बेकर को पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर मैं तो थोड़ा फार सरप्राइज था। पर अब ऑल आउट पेपरव्यू के अंदर ये सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे को फेस करने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपरव्यू के ऊपर क्या होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर हमें किप सेबियन का एक बेस्टेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए किप सेबियन ने कहा कि किप सेबियन काफी दिनों से पाक को फॉलो कर रहे थे और पाक को पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन है। लेकिन फाइनली किप सेबियन ने बहुत ही बढ़िया मौका ढूंढकर पाक के ऊपर अटैक कर दिया है और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, जो बात यहाँ पर किप सेबियन ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए पाक भी इस मैच के लिए मान चुके हैं, इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि जब फाइनली ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए किप सेबियन और पाक के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें द रिडीमर यानी कि मीरू का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मीरू ने कहा कि मीरू के गॉड ने उनके खिलाफ एक काफी बड़ी चाल चली है कि उन्हें अकेले को तीन बड़े बड़े सुपरस्टार्स के सामने डाला है। पर फॉर्चुनेटली मीरू को भी एक टैग टीम पार्टनर्स मिल चुके हैं और ये टैग टीम पार्टनर्स कोई और नहीं बल्कि डार्बी आयलन और स्टिंग है, जो बात यहाँ पर मीरू ने कही। और तभी यहाँ पर डार्बी आयलन और स्टिंग आ गए और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी आयलन और स्टिंग ने हाउस ऑफ ब्लैक को इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनली इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच होता है तो ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर का कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायमाइश व्यू पर सीएम पंक आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर अगर बातें करते हुए सीएम पंक कह रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पर सीएम पंक सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि सीएम पंक ने अपने सभी फैंस को लेट डाउन किया है और सीएम पंक के पैर की सर्जरी हो चुकी है और उनके पैर के अंदर करीब करीब 13 स्क्रूज लग चुके हैं और इतने ज्यादा स्क्रूज है जितने बार की कोई आदमी अपनी जिंदगी के अंदर स्क्रू नहीं होता। जो बात यहाँ पर पंग ने एक आदमी की तरफ देखते हुए कही और पंग ने उसके लिए सॉरी भी कहा क्योंकि पंग ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसी चीजें की है जो कि पंग को नहीं करनी चाहिए थी और उनमें से एक चीज है कि रसल करने के लिए 100% क्लियर ना होने के बावजूद रसल करने के लिए आना और इससे पंक अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार चुके हैं, इसलिए पंक अब 100% रेडी है। लेकिन फिर भी पंक जब तक उन्हें अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होता तब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करने वाले, जो बात यहाँ पर पंक कह रहे थे। पर तभी यहाँ पर ऑफिशियल आ गया जिसने कि जॉन मॉक्सली कॉन्टेक्ट लिया था और यहाँ पर आकर बातें करती उस ऑफिशियल ने कहा कि ऑफिशियल सीएम पंक का काफी पुराना दोस्त है जिसने कि पंक को उनके रेसलिंग के लिए कोच किया है, यानी कि वो सीएम पंक का एक तरीके से कोच था।
और यहाँ पर आकर बातें करते हुए पंक के कोच ने कहा कि पंक ये क्या कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करने वाले, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले है क्योंकि सीएम पंक शिकागो के अंदर है और शिकागो के आदमी गिव अप नहीं करते। ये बातें कहकर पंक के कोच ने पंक को स्लैप कर दिया और पंक को कॉलर पकड़कर पूरे रिंग के अंदर घुमाते हुए पंक से कहा कि पंक को याद करना चाहिए कि वो कौन है और वो गिव अप नहीं करते और उन्हें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रसल करना है और वो मैच जीतना भी है। जो बात यहाँ पर पंक के कोच ने कही और इससे फायर्ड अप होकर क्राउड से बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक शिकागो के अंदर बॉर्न हुए थे और शिकागो के अंदर गिव अप नहीं करने वाले और ये बातें कहते हुए सीएम पंक क्राउड के अंदर गए और क्राउड के अंदर जाकर जॉन मॉक्सली कॉल आउट कर यहाँ पर फाइनली सीएम पंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिससे कि गाइस ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इनका अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब ये रीमैच होता है तब ये रीमैच कितना बढ़िया मैच होता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस रीमैच के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद में डायमाइट शो के ऊपर इस वीक का डायमाइट शो शुरू होने से पहले लिया गया एक प्रीटेप इंटरव्यू देखने को मिला जहां पर जिम रॉस एक सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर क्रिशन केज और जंगल बॉय से बातें कर रहे थे और यहां पर बातें करते हुए क्रिशन केज ने कहा कि केज यहां पर इस चीज से काफी गुस्सा है कि जंगल बॉय ने केज के हाथों को टारगेट किया क्योंकि अगर केज के हाथ टूटते तो केज को रेसलिंग में से रिटायरमेंट लेनी पड़ती और इसलिए केज काफी गुस्सा है और केज यहां पर जंगल बॉय को दिखाने वाले है कि अगर वो किसी लेजेंड के खिलाफ दुश्मनी करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जो बात यहां पर क्रिशन केज ने कही। पर यही पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय क्रिशन केज को अपने फादर फिगर के तौर पर समझते थे लेकिन क्रिशन केज ने जंगल बॉय को स्क्रू कर दिया है और इसके लिए जंगल बॉय क्रिशन केज के ऊपर अटैक करने वाले है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर अटैक कर पाएंगे या नहीं क्योंकि माना कि क्रिशन केज नाटक कर रहे थे पर तब भी क्रिशन केज जंगल बॉय के लिए फादर फिगर के समान थे। पर क्रिशन केज को भी समझना है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जंगल बॉय को नहीं बल्कि जैक पेरी को फेस करने वाले है, जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही। तो देखना पड़ेगा कि जब ऑल आउट पेपर के ऊपर इनका ये मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन गाइज इसके बाद में डायमाइट शो के ऊपर वार्डलो और एफटीआर का एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो मैच उनके ऑल आउट पेपर से पहले उनके लिए एक वार्म अप मैच था क्योंकि यहाँ पर उनके अपोनेंट शिकागो के कुछ लोकल टैलेंट्स थे और गाइज ये मैच संजय दत्त बैकस्टेज से मैनेज कर रहे थे और नोट्स दे रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज ये मैच AEW कंपनी का ऑफिशियल रेसलर्स वर्सेस लोकल टैलेंट्स था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मैच काफी शॉर्ट मैच था और वार्डलो और एफटीआर ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली अपने अपोनेंट के ऊपर शील्ड के स्टाइल का एक ट्रिपल पावर बॉम्ब लगा दिया और यहां पर अपने अपोनेंट को पिन कर वार्डलो और एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इनके ट्यूज काफी डोमिनेटिंग बन रही है। लेकिन इसके बाद में डायमा शो पर जॉन मॉक्सली आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि सीएम पंक ने फिर एक बार अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि सीएम पंक दोबारा से जॉन मॉक्सली खिलाफ एक रीमैच के लिए मान चुके हैं और जॉन मॉक्सली यहाँ पर सीएम पंक को बताना चाहते हैं कि इसके पहले जो जॉन मॉक्सली ने पंक के ऊपर अटैक किया है वो सिर्फ ट्रेलर था पर इस बार उनके इस मैच के अंदर पूरी पिक्चर सामने आने वाली है, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। और शायद यहाँ पर मॉक्सली और भी कुछ कहने वाले थे पर यहाँ पर मॉक्सली का थीम सॉन्ग बजा इसलिए मॉक्सली यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि जब दोबारा से ऑल आउट पेपर के ऊपर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। पर इसके बाद में डायमाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर हम देख सकते थे कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के पैरों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बाद यहाँ पर 10 इंजर्ड हुए थे। और यहाँ पर बात करते हुए इविलुनो कह रहे थे कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के अंदर कम्पीट करना है, इसलिए नंबर 10 की जगह इविलुनो जॉन सिल्वर और एलेक्स रनल्स का इस ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर साथ देने वाले है, जो बात यहाँ पर इविलुनो कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर अंद्रादे आ गए और यहाँ पर आकर अंद्रादे ने इविलुनो और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को पैसे देते हुए कहा कि वो उनकी सर्जरी के लिए पे करने वाले है लेकिन वो चाहते है कि डार्क ऑर्डर उनके लिए काम करे, जिस पर बात करते हुए इविलुनो ने कहा कि उन्होंने उनके लिए काम नहीं करने वाले और अंद्रादे अपने पैसे लेकर यहाँ जा सकते है, जो बात यहाँ पर इविल उन्होंने कही और इससे गुस्सा होकर अंद्रादे ने नंबर 10 के क्रंचेस लेकर इविल उन्होंने के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यहाँ पर इविल उन्होंने भी आउट हो चुके थे। तो देखना था कि डार्क ऑर्डर की तरफ से इस मैच के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है। पर इसके बाद में डायमाइट के ऊपर एक फैटल फोर वे मैच देखने को मिला, जो मैच इस साल होने वाले ऑल आउट पेपरव्यू के कैसिनो लैडर मैच के सभी सुपरस्टार्स के बीच में था, जहां पर रूस विलर युता डांटे मार्टिन और रे फिनिक्स को फेस कर रहे थे। और गाइस अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायमाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइज एक मल्टीपर्सन मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और गाइज इस मैच के अंदर हर एक सुपरस्टार को शाइन करने का मौका मिला है और मोस्टली इस मैच के अंदर रूस ने डोमिनेट किया, लेकिन गाइज इस मैच के अंदर सभी ने मिलकर एक टाइम के ऊपर रूस के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि रूस इस मैच से आउट हो गए और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में विलर युता ने डांटे मार्टिन के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर एक सिग्नेचर पिन कर दिया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर विलर युता ने ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस साल के कैसिनो लैडर मैच के अंदर विलर युता ये सेम चीज रिपीट कर पाते हैं या नहीं।
लेकिन इसके बाद हमें डायमाइट शो पर देखा कि डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्स और जॉन सिल्वर बैकस्टेज में अपना इंटरव्यू दे रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए एलेक्स रेनल्स और जॉन सिल्वर ने कहा कि ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप ये डार्क ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा मौका है और डार्क ऑर्डर ये मौका नहीं छोड़ने वाली और अगर डार्क ऑर्डर को इस मैच के अंदर दोनों को ही कम्पीट करना पड़ता है तो इस ट्रियोस मैच के अंदर दो ही कम्पीट करने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर डार्क ऑर्डर कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हैंगमैन पेज ने कहा कि अगर डार्क ऑर्डर को टैग टीम पार्टनर की जरूरत है तो हैंगमैन पेज उनके साथ है, जिस पर हाँ कहकर डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज यहाँ चले गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के साथ होने वाले हैं। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के साथ जाते हैं तो इनका फ्यूचर कैसा होता है। पर गाइज इस सब की बात फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें विल ओस्प्रे और ऑजी ओपन यानी कि यूनाइटेड एम्पायर, केनी ओमेगा और यंग बक्स यानी कि दिलीट को फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था और वो भी ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मैच के अंदर। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत ही केनी ओमेगा और विल ओस्प्रे ने की, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच शुरुआत से एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। और गाइज हमें इस मैच के अंदर केनी ओमेगा, विल ओस्प्रे, ऑजी ओपन और यंग बक्स इन सभी सुपरस्टार्स की तरफ से ऐसे ऐसे मूव्स देखने मिले हैं जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और इस मैच में ना सिर्फ फिलोस्प्रे और केनी ओमेगा बल्कि यंग बक्स और ओजी ओपन ने भी अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए हैं और यंग बक्स और केनी ओमेगा इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए ओस्प्रे ने ओमेगा के ऊपर अटैक करते हुए ओमेगा का टी शर्ट ही फाड़ दिया, जहां पर हम देख सकते थे कि ओमेगा के ऊपर अभी काफी सारी पट्टियां बंधी हुई है। और ये देखकर यंग बक्स ने ओस्प्रे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ओस्प्रे ने यंग बक्स को भी टेक डाउन कर लिया, इसलिए ओमेगा दोबारा इस मैच के अंदर आए। और यहां पर हमें ओमेगा और ओस्प्रे इनके बीच में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने मिले हैं, जहां पर एक टाइम के लिए ओस्प्रे ने यंग बक्स के ऊपर उनका एक फिनिशर यानी कि इंडी टेकर लगा दिया, लेकिन फिर भी यंग बक्स किक आउट कर पाए, जो देखकर ओस्प्रे काफी सरप्राइज थे। और ये देखकर ओस्प्रे दोबारा से यंग बक्स के ऊपर उनका फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ओमेगा और बक्स ने मिलकर ऑजी ओपन और विल ओस्प्रे के ऊपर अपने फिनिशर बीटी ट्रिगर और इंडी टेकर लगा दिए, जिससे कि ओस्प्रे रिंग से बाहर चले गए। और फाइनली ओमेगा ने रिंग के अंदर फ्लेचर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि वी ट्रिगर और वन विंगड एंजल लगा दिया और यहाँ पर फ्लेचर को पिन कर ओमेगा ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर द एलीट ये मैच जीत चुके हैं और यहाँ पर द एलीट ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स के अंदर पहुंचने वाली है। और यहाँ पर ओस्प्रे ये मैच हारे थे, जिससे कि ओस्प्रे काफी गुस्सा थे, पर द एलीट अब फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। और इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो पसंद आया है। और गाइज आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है ये भी आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?